Assalamualaikum friends, this is me Imran Khan from Mr. Tech Guru YouTube channel. Guys, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नंबर को यूज किए बगैर व्हाट्सएप किस तरह बना सकते हैं। गाइज, समटाइम ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास अपना एक पर्सनल नंबर नहीं होता, स्पेशली गर्ल्स, उनके पास अपना एक पर्सनल नंबर नहीं होता समटाइम, और वो चाहते हैं कि हम एक व्हाट्सएप की आईडी बना पाए। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि जो हमारा पर्सनल नंबर है वो किसी के पास ना जाए, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो हमारा नंबर किसी रिलेटिव को पता ना लग जाए, क्योंकि अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो आपका उसके पास नंबर है, तो ओपन करते पता चल जाता है कि किस किस की इस नंबर पे आईडी बनी हुई है, तो वो चाहते हैं कि किसी को ना पता चले। तो इन तीनों लोगों के लिए जो ट्रिक है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पर्सनल नंबर को यूज किए बगैर एक अमेरिकन नंबर से एक व्हाट्सएप आईडी किस तरह बना सकते हैं। तो गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहिए। और वीडियो की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर आपको मेरा चैनल का पेज नजर आ रहा होगा, वहाँ पे रेड कलर का बटन होगा, वहाँ पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो की तरफ मूव करते हैं गाइस, और वीडियो की मूव करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो का टारगेट है लाइक्स और सब्सक्राइबर का, वो 40 लाइक्स और 40 सब्सक्राइबर है। तो प्लीज, लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, जस्ट आप हमें बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ से आपने अपना जीमेल या साइन अप कर लेना है, फेसबुक से या जीमेल से, मैंने फेसबुक से कर लिया है, बेहतर लगे आप कर सकते हैं गाइज। और यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर एक खुद ब खुद ये जीमेल बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने अपने कंट्री का कोड देना है, कंट्री का कोड आप गूगल से भी देख सकते हैं अगर आपको अपने कंट्री का कोड नहीं पता। तो मैं आपको शो भी कर देता हूँ गूगल से, आपने किस तरह सर्च करना है, अपने सिटी का नेम लिख के आपने गूगल से सर्च कर लेना है। तो ये हमारे पास सिटी का कोड है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इससे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद गाइज आपको आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, और जब ये कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह कुछ ऑप्शन इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिएगा आई एम एन ऑर्डर रिपोर्ट, और यहाँ से गाइस आपने कंफर्म करके आपके पास अपना एक जीमेल आ जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर है अमेरिकन नंबर, इसको यूज करके हम अपनी एक व्हाट्सएप की आईडी बनाएंगे। तो इस नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं और अब हम चलते हैं व्हाट्सएप में और एक व्हाट्सएप क्रिएट करते हैं इस अमेरिकन नंबर से। तो व्हाट्सएप मेरे पास यूज कर रहा हूँ, तो चैट में एक और अकाउंट बना के आपको शो कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे एक और न्यू अकाउंट बनाते हैं अमेरिकन नंबर से। तो गाइज इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर चैट को और व्हाट्सएप को तो एग्री पर कंटिन्यू करके यहाँ पे आपने अपना नंबर दे देना है, वही जो आपने कॉपी किया था, जो इस एप्लीकेशन ने हमें एक नंबर दिया था। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है, और पेस्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे जो इसका पाकिस्तान का कोड है इसको आपने रिमूव कर देना है, और यहाँ पर आपने सर्च टाइप कर देना है अमेरिकन है, तो आपने 1 अमेरिकन का जो कोड है वो 1 है, तो आपने 1 यहाँ पे सर्च करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइज आपके पास अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे आपने 6 डिजिट कोड आपकी तरफ इस नंबर पर आएगा किसी एप्लीकेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज सेटिंग में जाके आपने ओपन करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सेटिंग के ऑप्शन है, प्रोफाइल, मैसेजेस, कॉल और नोटिफिकेशन और डिस्प्ले, ये 3-4 ऑप्शन आपके पास है। इसमें से जो मैसेजेस का ऑप्शन है, इस मैसेजेस में जब आप कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, अगर कॉल करते हैं तो कॉल में जाएगा, मैसेज करते हैं तो मैसेज में जाएगा। तो इस वक्त मैंने मैसेज भी किया है और कॉल भी किया है, दोनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं और मैं आप इसको कंफर्म कर लूँगा। तो गाइज उधर चलते हैं व्हाट्सएप में, और ये देख सकते हैं आप मैसेजेस में मैसेज आ गया, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ वो मैंने जो कॉपी किया था कोड, और सिंपल आपने यहाँ पे अब अपना जो नेम रखना चाहते हैं व्हाट्सएप का, जिस नेम से आप बनाना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो मैं फ्रैंक के लिए एक फीमेल का नेम लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे भी नेक्स्ट फ्यूचर में ये आईडी काम आ जाए। तो गाइज यहाँ पर नेम जो भी आप चाहें टाइप कर सकते हैं, जिस नेम से आप आईडी बनाना चाहते हैं। तो इसको ओके करने के बाद आपकी व्हाट्सएप तैयार हो जाएगी गाइज। अब आप अपना नंबर, पर्सनल नंबर यूज किए बगैर एक आईडी मैंने आपको बना के दिखाई। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी आपके लिए,
ओके गाइस, आई थिंक इससे बड़ी ट्रिक नहीं होगी। गाइस मैंने देखा है कि कुछ लोग, मैं भी स्टार्ट में भी कहता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी, पर कुछ लोग नहीं करते। गाइस आपका कुछ भी नहीं जाता सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से, कुछ भी नहीं जाता, ना आपके पैसे लगते हैं ना कुछ। जस्ट हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको कोई देख रहा है और उसे कोई अप्रिशिएट भी कर रहा है। आपके अप्रिशिएट करने से हमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो मैं वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को जो लाइक्स का टारगेट है वो 40 लाइक्स और 40 सब्सक्राइबर का टारगेट भी है, तो आप आई होप आप इसको बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।